आँखों से आंसू धारा बहती जाए, मेरा ये धर्म रानी का मुख लाला हरदोल देखते हैं तो कहने लग जाते कि हे माँ, रोज मैं भोजन करता था तो तुम बड़े लाड़ से मुझे भोजन कराती, और आज तुम्हारा मुख इतना उदास मैं क्यों नजर आता है, क्या होता है? देखो देखो ये मजबूरी, ये मजबूरी कहा क्या बेटे के समान देवर को जहर खिलाना,
जय हो। वचन में ऐसी बंधी कि जहर खिलाना। लाला पूछने लग गए, कहने लग गए, मुरझाया चेहरा और छाई उदासी। मुरझाया चेहरा और छाई उदासी, आंखों में आंसू मगर किस लिए। लाला हर बार कहने लगे कि माँ, अगर बात ऐसी है तो आज मैं पेट भर कर भोजन करूंगा, मगर तेरी ममता को बदनाम नहीं होने दूंगा। मेरी माँ कहने लगे लाला, ओ अगर मैं हुजारा, ओ अगर मैं हुजारा तो मुझको बता दो। एक तरफ ममता को बचाना है और एक तरफ मेरे स्वामी के आदेश का पालन करना है, लेकिन कैसे हरदोल को जय स्वामी जहर खिला तू मैं जय हो। कैसे हरदो पानी जहर Yeah.
सेवर नहीं वो मेरा लाल है। और आज मैं अपनी ममता को कलंक कैसे बढ़ा दूं? मेरे भाई और मामा होती है, बच्चा कहीं भी हो माँ को चिंता ज्यादा होती है, माँ शरूर ही पूजनीय है। अगर आप आवाज भैया आज देरी से घर पहुंचोगे तो और कोई नहीं याद करेगा, लेकिन आपकी माँ याद करेगा। क्या आपकी माँ 10 बार फोन लगाएगी कि तू कहाँ है, खाना खाया नहीं खाया। क्या बात है भैया, ऐसा स्वरूप है माँ का। रानी कहने लगी, रानी के मन में आज ऐसी ऐसी बात आ रही, अपनी ममता को क्यों कलंक अब बना। रानी कहने लगी,